लो हेलो आवाज आ रही है सही आ रही है आवाज आवाज में क्लियरिटी है बताइए 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 शर्माइए मत आवाज में क्लियरिटी बताइए जो 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 इंसान नहा के नहीं आया वो बाहर हो जाए फिर तो फिर तो मैं भी बाहर हो जाऊंगा ठीक <laughs> है ठीक ठीक है, थीक है। हेलो, 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 हेलो। संस्कृति रचू ऋषिता स्नेहा वर्षा भूमिका शांतनु रवि राज रिहान हर्ष लूसी कुमारी आइए आइए आपका स्वागत है आपका स्वागत है आपका स्वागत है कि वी एजुकेशन पर और आज हम करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत या फिर कैसे बोलेंगे जिंदा दुनिया <laughs> जिंदा दुनिया अब दुनिया जिंदा है है ना मतलब इस दुनिया में कुछ लोग जिंदा हैं कुछ लोग जिंदा नहीं है जैसे कि पानी की बोतल है जिंदा नहीं है तो है वो सब डिस्कस करेंगे आप क्यों जिंदा हो मैं क्यों जिंदा हूं ये पानी की बोतल ये जिंदा क्यों नहीं है मैं भी जिंदा हूं लक्की लक्की बोल रहे है, मैं भी जिंदा हूं बढ़िया बढ़िया एक बार एक बार चैट में बताओ कौन कौन जिंदा है यार एक वो एक वो अपना हैशटैग हो जाए एक हैशटैग हैशटैग नीट पे जीत हो जाए एक बार मैं भी मैं भी मैं भी जिंदा मैं भी जिंदा मैं भी जिंदा भैया मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि वेट डॉक्टर बन जा कैसे समझाऊँ ये अच्छा नहीं है बी फिर भी अच्छा है देखो अंजलि शर्मा जी एक चीज मैं आपको बता दू अगर आप जॉब के हिसाब से देखते हो ना कि जॉब सिक्योरिटी अगर आपको एम नहीं मिलती है तो इंडिया के अंदर वेटनरी मेरे अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर है जॉब के हिसाब से बी और आयुर्वेदिक में जॉब्स जो हैं वो नहीं मिलती हैं और प्राइवेट मिलती भी हैं तो इतनी कोई सैलरी नहीं है उनमें है ना मतलब ये तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहा हूँ कि बी आयुर्वेदिक डॉक्टर बी वालों को बीस बीस हज़ार पच्चीस पच्चीस हज़ार की है ना मैंने देखा है सैलरी लेते हुए और वेटनरी अगर आप कर जाते हो तो आपको गवर्नमेंट चाहे दो तीन साल बाद मिले पर प्राइवेट में भी आप साठ हजार से ऊपर के इंसान हो जाते हो और प्राइवेट आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर तो कितने भी कर लो पर फिर भी आपको कुछ भी नहीं आता है ना खाली डिग्री है आपके पास वेटनरी की तो भी आपकी डिग्री के बेस पे आप साठ हजार, हजार, हजार के इंसान हो जाते हो जो आयुर्वेदिक या बी में नहीं होते हो बात ये है पर अभी 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 नहीं बी एच बी एच एम एस है ना होम्योपैथी उसको तो आप आयुर्वेदिक से भी नीचे समझो है ना वही है फिर से मैं बता रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मेरे हिसाब से दूसरे पे वेटनरी है है ना और इसीलिए शायद मैंने वैटनरी ली थी है ना बी डी जाहिर सी बात है यार जिसको वेटनरी मिल रहा होता है उसको बी और बी तो मिल ही रहा होता है क्योंकि वेटनरी की कट ऑफ़ ज़्यादा जाती है आप चेक कर लेना जिसकी कट ऑफ ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है सिंपल हिसाब चलता है अच्छा भी करें करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें कि तीन सौ इकतीस लोग हैं साढ़े तीन सौ होने देते हैं साढ़े तीन सौ पे करते हैं या वो करूँ मैं वो वाला तो नहीं करना पड़ेगा मेरे को कि वो एक हज़ार लाइक चाहिए एक हज़ार लाइक चाहिए तो चलिए 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 दोस्तों शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं ठीक है बस बहुत हो गया इतना टाइम है ना ये टाइम खराबी अकाउंट होगा वैसे अपना ठीक है तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है अब ये चैट है ना बंद कर दो चैट जो जो कर रहा है अब ये बंद कर दो लाइव चैट खत्म कर दो अब लाइक ठीक है बस, बस 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 चैट बंद है चैट बंद है अब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है देखो हमारी कौन सी सीरीज चल रही है वन डे वन चैप्टर की सीरीज चल रही है जिसमें हम अपने कितने तेरह चैप्टर निपटा चुके हैं है ना और आज अपना कौन सा चैप्टर है 14th है 14th है ठीक और एक बात फिर से मैं आपको बता दूं ये जो पूरी सीरीज है ये एनसीईआरटी स्मैशर बेस्ड है एनसीईआरटी टी स्मैशर बेस्ड है वही नोट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और वो नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में तो मेक श्योर करो आपके पास वो होने चाहिए तभी इस सीरीज में अब मजा आएगा ठीक है और फिर से एक वो दो सेकंड वाली लाइक आप चाहो तो आपकी इच्छा करे तो आप इस वीडियो नहीं तो अब, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अब चुप हो जाओ या सामने का नाम क्या है लिविंग वर्ल्ड है।, तो है हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है मान लो मेरे पास ये कोई चीज पड़ी है ये कोई वस्तु पड़ी है अब मैं कैसे बताऊं वस्तु लिविंग है या नॉन लिविंग है तो जाहिर सी बात है है हमें कुछ फीचर्स चेक करने पड़ेंगे ना कि ऐसे क्या फीचर्स हैं जो सिर्फ और लिविंग तो करेंगे की की बात आती है। देखो यहां पे अब जो भी होगा ना डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में जो भी होगा उसके लिए मैं पहले ही आपको ट्रिक बता देता हूं पहले

अरे यहाँ पे गलती हुई नॉन लिविंग नॉन डिफाइनिंग तो एन से आएगा नॉन डिफाइनिंग एन से क्या आएगा नॉन डिफाइनिंग तो नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन से होते हैं एक ग्रोथ होता है और एक रिप्रोडक्शन मैंने क्या बोला ट्रिक मैंने क्या बताई नजर मैंने ट्रिक बताई एन से क्या है नॉन डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन से कौन से होते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होते हैं बाकी के डिफाइनिंग है बाकी के डिफाइनिंग है. है ठीक है तो यहां पे अपने को एनसीआरटी के हिसाब से क्या है ये वाले फीचर पढ़ने हैं एक ग्रोथ पढ़ना है एक रिप्रोडक्शन एक सेलुलर

ठीक है सिंपल सी बात है बिल्कुल सिंपल सी बात है अब बारी बारी से बात करेंगे पहले हम क्या है ग्रोथ पे बात करेंगे फिर रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे फिर कॉन्शियसनेस पे ठीक है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रोथ के ऊपर है ना कि ग्रोथ देखो यहां से पहला क्वेश्चन तो यही से हो चुका है कि ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है पहला क्वेश्चन तो यही हो गया ठीक है अब हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग है, है आखिर क्यों है आखिर क्यों वो नॉन डिफाइन Right तो ये कुछ की लाइन है जैसे ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विनिस्टिक्रोथाउंगा आपको है अब वो ग्रोथ कैसे करेगा ग्रोथ यानी, लो, उसकी हाइट बढ़नी है तो हाइट कैसे बढ़ेगी जाहिर सी बात है उसके अंदर सेल डिविजन होगी तभी तो उसकी हाइट बढ़ेगी फॉर एग्जाम्पल छोटा सा प्लांट है

एनिमल्स की है ना मान लो ह्यूमन है हाइट है तो हाइट कब तक बढ़ती है मेरे ख्याल से 19-20 साल तक 18 साल तक 19 साल तक हाइट बढ़ती है उसके बाद हाइट बढ़ना जो है वो रुक जाती है तो एक सर्टेन एज तक ये है ना एनिमल्स में ग्रोथ होती है ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ बॉडी मास बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है देखो कोई इंसान मोटा हो रहा है तो उसमें है ना सेल डिवीजन से भी तो है ना समझ रहा आप मान लो मसल कोई गेन कर रहा है या मोटा हो रहा है इंसान है ना ग्रोथ कर रहा है तो वो जैसे पेड़ है पेड़ की गर्थ बढ़ रही है मोटाई बढ़ रही है तो सेल डिवीजन की वजह से तो बढ़ रही है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि माउंटेन्सॉइल बाइंडर कैन ऑल्सो ग्रो बाईमेशन ऑफ मटीरियल ऑन सरफेस सो ग्रोथ इज इट नॉन डिफाइनिंग है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है देखो इसको सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको मान लो ये मिट्टी का ढेर है ये अपना मिट्टी का ढेर है क्या हो रहा है स्क्रीन ब्लर हो रही है सही नहीं चल रहा है क्या एक बार बताना मेरे को सही चल रहा है सही है सही है सही है ठीक है ठीक है देखो मान लो ये अपने पास कोई मिट्टी का ढेर है ये अपने पास कोई मिट्टी का ढेर है ठीक है अब ये ऐसे है अब मान लो यहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है ये रेगिस्तान में है जैसलमेर की बात है ठीक है और यहाँ पे फिर बहुत तेज हवा चलती है और ये क्या हुआ मान लो पच्चीस तीस दिन में ये मिट्टी का ढेर इतना बड़ा हो गया मिट्टी का ढेर इतना बड़ा हो चुका है तो क्या हम इसको ग्रोथ बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं यह भी एक तरीके की ग्रोथ है ठीक है अब यह लिविंग में हुई है कि नॉन लिविंग में यह नॉन लिविंग है पूरे तरीके से तो इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी हो सकती है इस तरीके से भी हो सकती है ठीक है बट बट यहां बात की जाए कि ग्रोथ फ्रोम इनसाइड है ना कि अंदर से ग्रोथ अब जैसे ये मिट्टी का ढेर बड़ा है तो ये अंदर से तो नहीं बड़ा ना बाहर से बड़ा है तो ग्रोथ फ्रोम इनसाइड अगर बोला जाए तो वो डिफाइनिंग फीचर हम बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ठीक है मैंने क्या बोला कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाएगी ये बात क्लियर है ठीक है ब्लर तो नहीं हो रहा ठीक चल रहा है ना क्लियर है क्लियर है ठीक है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में रिप्रोडक्शन में देखो ये चीजें डायरेक्ट एनसीआर की आपको याद होनी चाहिए कि फंजाई में है ना ये एनसीआर से ही निकाल के मैंने लिखा है कि फंजाई में कैसे है रिप्रोडक्शन बाई ए सेक्शुअल बर्डिंग है और प्लानेरिया में रीजनरेशन और फंजाई फिलामेंटस एलगी प्रोटोनिमा ऑफ मास में क्या है? क्या है क्या है क्या है मोस में यहाँ मोस आएगा ठीक है क्या है फ्रेगमेंटेशन है और यहाँ पे वैसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है बायोलॉजिकल क्लास में हम पढ़ लेंगे ठीक है एलगी वाला एलगी में पढ़ लेंगे अब है ये में पढ़ लेंगे तो यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना सा कर लेना यीस्ट एंड में बडिंग होती है यीस्ट एंड में बडिंग होती है और प्लानेरिया में रीजनरेशन होती है सिर्फ इतना सा यहाँ पे आप पे कर लेना ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक देखो हम बात कर चुके हैं अपनी ट्रिक की थी हमने नजर हमने अपनी ट्रिक की थी नजर तो रिप्रोडक्शन जो है ना रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है ये हम बात कर चुके हैं अब वो हमसे रीजन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि रिप्रोडक्शन जो है एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है क्यों है देखो सिंपल सी बात है कोई भी कोई भी इंसान मान लो इनफर्टाइल है ठीक है कोई भी ह्यूमन है इंसान है वो इनफर्टाइल है यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है हम उसको नॉन लिविंग नहीं बोल सकते है ना तो यहां क्या बोला गया है कि जो इंसान रिप्रोडक्शन जो जो इंसान या एनिमल या कुछ भी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता वो भी लिविंग हो सकता है वो भी लिविंग हो सकता है तो इसीलिए ग्रोथ जो है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा बहुत सिंपल तरीके से देख लो मान लो ये कोई छोटा सा बच्चा है मान लो ये छोटा सा बच्चा है छोटा सा बच्चा है और ये मान लो दस साल बाद इतना बड़ा हो जाता है ये दस साल बाद इतना बड़ा हो जाता है तो इसने क्या हम अभी आपसे पूछूं कि क्या इसने ग्रोथ की है क्या इसने ग्रोथ की है तो आप बोलोगे जी बिल्कुल इसने ग्रोथ की है, इसकी है। मैं का मतलब होता है ना नया इंडिविजुअल पैदा करना है तो यहाँ पे अगर हम किसकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो वहां पर ग्रोथ एक अलग चीज है और रिप्रोडक्शन एक अलग चीज है जबकि हम यूनिसेलुलर की बात करें मान लो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है कोई ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है और ये कॉलोनी दो घंटे बाद है ना बैक्टीरिया ने क्या कि दिवाएड किया डिवाइड किया डिवाइड किया और ये कॉलोनी दो घंटे बाद ऐसी हो जाती है

ऑर्गेनिज्म में क्या है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है म्यूचुअली इंक्लूसिव यानी लगभग एक ही बात है सिमिलर सी बात है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में देखो मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या बताया गया है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं देखो जाहिर सी बात है, हमारी पूरी बॉडी है ना पूरी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से ही हमारा शरीर चल रहा है ना, हर सेल के अंदर तो हो रही है उसी से हम जिंदा है, जाहिर सी बात है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, में मेटाबोलिक रिएक्शन होती ही होती है जाहिर सी बात है होंगी ही होंगी है ना तो पर यहाँ पे एक दिक्कत है कि मेटाबोलिक जो रिएक्शन है ना जो मेटाबोलिक रिएक्शन है उनको बोड

वॉइस कट हो रहा है वॉइस कट हो रहा है क्या सही चल रहा है वॉइस कट हो रहा है क्या ये एक इंसान बोल रहा है सिद्धार्थ जैना वॉइस कट हो रहा है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी कॉन्शियसनेस के बारे में कॉन्शियसनेस के बारे में देखो कॉन्शियसनेस क्या होती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको सेंस करने की एक तरीके से ठीक है है मान लो गर्मी हो रही है, तो मैं मेरी मेरी बॉडी बॉडी जो है 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 उसको उसको सेंस सेंस कर कर सकती सकती ठीक सर्दी हो रही है, मेरी उसको सेंस कर सकती है, और ना और मान लो मैं इस बोटल को इस पानी की बोटल को बाहर गर्मी में धूप में रख दू तो ये उसको सेंस नहीं कर सकती है ना ये वहीं पड़ी रहेगी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ठंड में रख दू इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि है ना ठंड है गर्मी है कैसा टेम्परेचर है क्या है और यही यही पावर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो सेंस कर सकते हैं को ठीक है अपनी सराउंडिंग्स को क्या क्या कर कर सकते है? कर सकते हैं हैं एबिलिटी सेंस ठीक है consciousness consciousness है 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 तो यही कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस और भी हमारी हमारी नजर नजर वाली वाली ट्रिक ट्रिक से से हमें पता अब यहां पर देखो

में पाई जाएगी और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है सिर्फ और सिर्फ ह्यूम पाई जाएगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसकी की बात करने करने वाले कि इसकी की देखो बायो मतलब क्या होता है organism, मतलब मतलब कितने टाइप के अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ ठीक है तो टोटल स्पीशीज की बात करें तो वन पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन टोटल स्पीशीज जो है वो हमें पता चली है कि इतनी टोटल स्पीशीज अब प्रेजेंट है ठीक है यहां पे आपको दो फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है कि आई यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमन क्लेचर आई एन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जुलोजिकल नोमन क्लेचर यहां पर ध्यान रखना है कि आई में जो है वो फोर आता है और आईसी में जो है वो ऑफ आता है ठीक है बिल्कुल ठीक है अब आगे चलते हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बायनोमियल ठीक है क्या है बायनोमियल नोम की बात करने जा रहे हैं देखो यहां पे नाम ही बाय बाय मतलब क्या होता है दो बाय मतलब मतलब क्या होता है दो दो नोमियल मतलब नाम कि दो नाम होते हैं ना ना दो नाम होते हैं यही बात यहां पर याद रखनी है और एक यहां पर सुपरहिट क्वेश्चन बनेगा कि बायनोमियल नोम क्लेचर जो था वो किसने दिया था कैरोलस लिनियस किसने दिया था बायनोमियल नोम क्लेचर कैरोलस

नेक्स्ट है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ देयर ओरिजिन अब यहाँ पे मजे की, की बात जो ये है ना ये चार रूल यहाँ पे दिए हुए चार रूल दिए हुए ये आपके दिमाग में ऐसे का ऐसे फिट होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट इसको उठा के है ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखाई देगा की विच है ना इनमें से कौन सा ट्रू है इन

जैसे ये नाम है तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है इसको अंडरलाइन कर दिया इसको अंडरलाइन कर दिया ठीक है और होता क्या है देखो ये अपना जीनस था ये अपना जीनस था ये अपना स्पीशी था तो जीनस वाले का जीनस वाले का पहला लेटर क्या होगा अ कैपिटल होगा और स्पीशी वाले का पहला लेटर क्या होगा स्मॉल होगा ठीक है और यही बात यहाँ पे बोली गई है कि वो अ कैपिटल वाला कैपिटल वाला और वो स्मॉल लेटर वाला ठीक है नेक्स्ट है कि ऑथर का नाम कैसे दिखाएगे? कि ये नेम ऑफ ये नाम जो है खोजा है इंडिका लिख दिया फिर लास्ट में क्या है उस साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे कि भाई इस साइंटिस्ट का लेना देना इसके साथ अथा है जैसे लिन लिख दिया मैंगीफेरा इंडिका लिन है ना मतलब क्या है लिन से अपने को याद आ जाएगा कि लिनियस अंकल का लेना देना अथा ठीक है, बता दो एक बार क्या चल रहा है कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है कैसा माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का यार वो पता नहीं क्या हुआ क्या गड़बड़ी हुई वो डिलीट हो गया पर उसकी जगह मैंने अपलोड कर दिया है आप जाके देख लो एक बार है ना ठीक है ठीक है ठीक है सही चल रहा है ठीक है सही चल रहा है नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सोनोमी की देखो इसमें यहां पे ना ये ऑर्डर थोड़ा उल्टा कर लेना नॉमन क्लेचर जो है ना ये नोमन क्लेचर जो आएगा लास्ट आएगा ये थर्ड नंबर पे आएगा इसमें क्या होगा पहले नंबर पे हम क्या करेंगे कैरेक्टराइजेशन करेंगे फिर दूसरे नंबर पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे फिर तीसरे नंबर पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे फिर फोर्थ पे हम क्या कर देंगे नॉमन क्लेचर कर देंगे ठीक है सिंपल है नेक्स्ट बात करते हैं देखो टेक्सोनॉमी क्या होती है यही है यही है बेसिकली अपनी टेक्सोनॉमी की कैरेक्टराइजेशन की फिर आइडेंटिफिकेशन की फिर क्लासिफिकेशन की फिर नॉम क्लेचर किया ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में देखो टेक्सोनॉमी के साथ अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जोड़ दिया जाए है ना सिस्टमैटिक्स का याद रखना कि टेक्सोनॉमी के साथ है ना देखो सिंपल सी बात है हम किसी भी चीज को किसी भी चीज की है ना वर्गीकरण कर रहे हैं है ना मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम उनके पूर्वजों को साथ में ले लें

ठीक है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टेक्सटोनोमिकल हिरे की इसकी है ना आपकी ट्रिक है कोई तो बहुत बढ़िया बात है ट्रिक नहीं है ट्रिक नहीं है तो क्या है इसकी देखो कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस ठीक है मैंने क्या बोला कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस किंगडम फाइलम या डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशी ठीक है और एक यहां पे ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी किस साइड बढ़ेगी आपसे पूछ लिया जाए आपको ये दे दिया एक ऑर्गेनिज्म ये दे दिया दूसरा ऑर्गेनिज्म तो सिमिलैरिटी की बात करें तो आप नीचे की तरफ आओगे ना नीचे की तरफ आओगे तो सिमिलैरिटी ज्यादा बढ़ती है है ना कि मान लो दो ऑर्गेनिज्म के जीनस सेम है एक बात बोली जाए कि दो ऑर्गेनिज्म के जीनस सेम है दूसरी बात बोली जाए कि दो ऑर्गेनिज्म की क्लास सेम है तो कौन से ज्यादा सिमिलर होंगे तो नीचे की तरफ आने पर क्या है सिमिलैरिटी बढ़ती है तो ये वाले ज्यादा सिमिलर होंगे ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्सोनोमिकल एड्स की बात करते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स की बात करते हैं देखो यहां पे है ना अपने पास तीन तरीके से चीजें हमको देखनी है कि एक तो होगा प्रिजर्वेशन एक होगा प्रिजर्वेशन एक होगा क्या कंजर्वेशन और एक क्या होगा लिटरेचर ठीक है देखो अब प्रिजर्व का मतलब है प्रिजर्व का मतलब होता है कि हम डेड चीज के साथ डील कर रहे हैं डेड चीज के साथ और कंजर्व हम किसको करते हैं लिविंग यानी जिंदा चीज को समझ रहे हो मतलब समझ रहे हो अब प्रिजर्व किसको करते हैं हम डेड यानी डेड यानी टपक है उसको प्रिजर्व करते हैं और ना कंजर्व किसको करते हैं लाइव यानी जिंदा को और लिटरेचर लिटरेचर तो नाम से ही पता लग रहा है विताबें और, और, तो और एक म्यूजियम आएगा और कंजर्वेशन में देखो जुलोजिकल पार्क जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर जाहिर सी बात है चिड़ियाघर में जिंदा चीजें होती हैं और कंजर्वेशन में दूसरी चीज क्या आएगी बोटेनिकल गार्डन आएगा बोटेनिकल गार्डन में भी क्या होते हैं जिंदा प्लांट्स होते हैं हमें यह बात पता है हमें यह बात अच्छे तरीके से पता होती है ठीक है लिटरेचर में क्या आएंगे जैसे बुक्स हो गई किताबें विताबें फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग इनकी मैं ट्रिक बताऊंगा एन की एक भी गलती यहाँ से आपकी नहीं होगी ठीक है एक बार एक बार एक बार एक बार रिपोर्ट दे दीजिए एक बार रिपोर्ट दे दीजिए सब खैरियत सब खैरियत सब खैरियत हंजी, हंजी, हंजी। सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया सब सब खैरियत सब खैरियत सब खैरियत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कैसे हो फिर है सुनाओ हालचाल ठीक है जी ठीक है आगे का थोड़ा पढ़ लेते हैं है ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा चैप्टर बचा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है देखो प्रिजर्वेशन देख ली कंजर आ जाओ आ जाओ हाँ खैरियत पूछ लिया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ खैरियत वालो आ जाओ अब आ, आ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस बस अब टुक नहीं होंगे ठीक है ठीक है तो प्रिजर्वेशन हमने देख ली प्रिजर्वेशन में क्या आएगा हर्बेरियम आएगा म्यूजियम आएगा कंजर्वेशन में जुलॉजिकल पार्क बोटेनिकल गार्डन लिटरेचर में फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग अब बारी बारी से बात करते हैं सबसे पहले हम हर्बेरियम के डिजाइन देख रहे हो डिजाइन देख रहे हो कितना मस्त डिजाइन है डिजाइन देख रहे हो डिजाइन देख लो डिजाइन ठीक है अब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में हर्बेरियम के बारे में बात कर रहे हैं हर्बेरियम की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं देखो हरबेरियम के बारे में जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो आपके सामने है इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनता है ठीक है और जहां से सुपर हिट जहां से सुपर हिट क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा सबसे पहला क्वेश्चन डेड प्लांट्स इसमें होते हैं तो यहाँ एक सुपर हिट चीज हमें पता चल गई देखो हरबेरियम प्रिजर्वेशन के अंडर आ रहा था तो ये तो पहले ही हमें पता चल गया कि इसमें डेड चीजें होंगी अब डेड भी क्या

है ना वो जमाना जब होता था तो पेज के पेज के बीच में पत्ते वत्ते और ऐसा होता ना स्कूल में स्कूल में मान लो गुलाब गुलाब दिया है किसी ने तो वो गुलाब फिर संभाल के रखते थे हम बहुत बहुत दिनों तक है ना मेरे को तो नहीं दिया किसी ने आपका बता रहा हूँ मैं तो। मैंने तो देखा है दूसरों के पास मेरे को तो नहीं मिला ऐसे गुलाब को भी है ना तो वो गुलाब की पत्तियां ऐसे चिपका के ऐसे रखते थे वो सूख जाती थी है ना वो वाला सीन है इधर वो वाला देख लो आप हरबेरियम में काम कर रहे थे आप इंडली तो हरबेरियम शीट्स कैरी ए लेबल प्रोवाइड

तुम मत लिख देना प्लेस की कहा से मिला है तो गड़बड़ हो जाएगी है ना तुम मत लिख देना ये वाले को करने दो तो उसका नाम इंग्लिश नाम लिख देंगे लोकल लिख देंगे बोटेल अपने को तो लोकल ही मिलता था है ना इंग्लिश इंग्लैंड से तो कहीं से ही गुलाब आएंगे लोकल ही मिल जाता था देहात में ठीक है और फैमिली नेम कलेक्टर नेम की किसने है ना किसने कलेक्ट किया है उसका नाम भी ठीक है नेक्स्ट है एनिमल्स आर नॉट प्रिजर्व ओनली प्लांट्स ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये बात हम ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते हैं एनिमल्स जो है वो वो नहीं होते हैं अब यहां पे यहां पे एक ऐसे कर लेंगे एक बार ऐसे कर लेंगे कि यहां सुपर हिट क्वेश्चन आ गया ऐसे ऐसे ठीक है यहां पे एक सुपर हिट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि क्विक रेफरल सिस्टम ये आ जाए आपके सामने आपके नीट के इम्तिहान में अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिख जाए कि क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमल स्टडी तो आपको कुछ पता हो या ना पता हो आपका आंसर जाएगा क्विक रेफरल सिस्टम आते ही आंसर जाना चाहिए क्या हरबेरियम जाना चाहिए ठीक है बिल्कुल क्लियर है नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजियम के बारे में देखो अभी अभी हमने हरबेरियम की बात की कि इसमें डेड इसमें डेड क्या होते हैं प्लांट होते हैं सिर्फ एनिमल इसमें नहीं होते हैं जबकि हर्बेरियम के बाद म्यूजियम की बात करें तो इसमें एनिमल्स भी होते हैं इसमें प्लांट्स भी होते हैं कैसे होंगे डेड होंगे जाहिर सी बात है अब प्रिजर्वेशन के अंडर है तो डेड होंगे प्लांट्स और ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं जनरली सेटअप सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना म्यूजियम में स्कूल कॉलेज वाले को लेके जाते हैं ना कि चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं करते तो क्या थे दो सौ दो सौ रुपए ले लेते थे स्कूल वाले से पहले की बात बता रहा हूँ स्कूल वाले बच्चों से दो सौ दो सौ रुपए लाओ तुम्हें घुमा के लाएंगे और ये सड़ा सा म्यूजियम दिखा के ले आते थे ठीक है वो सीन वाला चल रहा है ठीक है तो स्पेसिमेंस को अ कंटेनर या जार में रखा जाता है ये अपने स्कूल की अपने स्कूल की अगर स्कूल गए हो कभी तो स्कूल की बायोलॉजी की लैब में भी देखा होगा कि कंटेनर जार में है ना थोड़े बहुत सांप बिच्छू को रखा जाता है वो प्रिजर्वेशन ही होती है एक तरीके से ठीक है वो सोल्यूशन में रखा जाता है ना उनको फॉर्मोलिन जैसे सोल्यूशन ठीक है इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग और लार्ज एनिमल ये मैं आपको बताता हूं सिंपल तरीके से देखो छोटा सा इंसेक्ट है उसको प्रिजर्व करना है तो सिंपल क्या है उसमें से सुई गाड़ के ऐसे गाड़ दोगे तो सीधा ठीक है अब बड़ा एनिमल है मान लो हाथी है शेर है है ना कुछ भी है गेंडा है हिप्पो है तो उनको अब देख लो थोड़ा अलग तरीके से किया जाएगा स्टफ्ड एंड प्रिजर्व है ठीक है और छोटे छोटे हैं इंसेक्ट तो क्या ही है वो तो मैं घर पे नॉर्मली कर देता हूं पकड़ा कॉकरोच गाड़ी सुई और टांग दिया दीवार पे उसमें क्या ही है ठीक है और क्या है स्केल्टन सिस्टम आपने देखा हो ना हड्डियों का ढांचा हड्डियों का ढांचा भी म्यूजियम में पाया जाता है हड्डियों के ढांचे की हाँ भाई ये हाथी का स्केलेटन सिस्टम है ये ऊंट का है इस तरीके से ठीक स्पेसिमन आर यूज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस है ना पढ़ाई के लिए यूज करेंगे कोई मनोरंजन तो है नहीं वो है ना वैसे हमारे लिए तो मनोरंजन ही होता है कि स्कूल वाले घुमा लाए एक दिन पर होता तो पढ़ाई के लिए पर अपने को पढ़ना कहां कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की कंजर्वेशन किसके लिए लिविंग यानी जिंदा चीजों का किया जाता है तो जिंदा चीजों का एनिमल्स का किया जाएगा प्लांट्स का किया जाएगा एनिमल्स का किस में किया जाता है जुलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर चिड़ियाघर गए भी चिड़ियाघर चिड़ियाघर यार तुम यहाँ पे आ जाना मैं तुम्हें दिखाऊंगा चिड़ियाघर बहुत सही है बहुत सही है ठीक है कहां पे आ जाना ये नहीं बताऊंगा पता लगे सच्ची में पहुंची ठीक है ठीके? तो प्लांट्स है प्लांट्स का क्या जाता है ना प्लांट्स का क्या है बोटेनिकल गार्डन प्लांट्स का कहाँ पे किया जाएगा अब बोटेनिकल गार्डन ठीक है नेक्स्ट है अब यहाँ पे सुपर हिट क्वेश्चन बनेगा कि ये तीन बोटेनिकल गार्डन में ये तीन चीजें दी गई है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन कहाँ पे है ठीक है तो क्यू क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है इंग्लैंड में है क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है इंग्लैंड में है जाहिर सी बात है क्यू जो है एक अंग्रेजी सा नाम है जो है वो थोड़ा अंग्रेजी सा नाम है तो इंडिया में तो लग ही नहीं रहा यार ये इंग्लैंड में ही होना चाहिए सिंपल सी बात है नेक्स्ट है एक इंडियन है एक नेशनल है इंडियन बोटेनिकल गार्डन है और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ठीक है मैंने क्या बोला एक इंडियन है एक बोटेनिकल है एक नेशनल है ठीक है अब इंडियन कहा है हावड़ा में है नेशनल कहा है लखनऊ में है तो यहां पे कंफ्यूजन होती है तो याद रखना याद रखने के लिए खिचड़ी को मिटा लेते हैं याद रखना नेशनल में नेशनल में क्या आ रहा है एल आ रहा है और लखनऊ में भी क्या आ रहा है एल आ रहा है तो नेशनल कहां है लखनऊ में है इंडियन कहां है हावड़ा में है ठीक है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेचर की लिटरेचर में अपने पास क्या आए थे फ्लोरा आया था मैनुअल आया था मोनोग्राफ आया था और एक कैटलॉग आया था ठीक है अब इसको कैसे याद करें देखो फ्लोरा एंड फौना ना फौना नाम सुना तूने वैसे तो फौना होता है पर फौना ये फ्लोरा ठीक है तो फ्लोरा का मतलब होता है कि प्लांट्स कितने हैं और फोना का मतलब होता है वो होता है फ्लोरा इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है नेक्स्ट है मैनुअल मैनुअल में थोड़ा याद करने वाला है एनसीआर की डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाएगी कि मैनुअल में क्या होता है तो नाम देखो मैनुअल को यहां से उल्टा पढ़ो एन A -M, ठीक है एक बार यहां पे देख लो सामने स्क्रीन पे देख लो मैनुअल जो है इसको उल्टा पढ़ो आप पहले एन पढ़ो फिर ए पढ़ो फिर एम पढ़ो तो ये क्या बन गया अपना नेम बन गया ये क्या बन बन गया नेम बन गया तो नेम से अपने को याद आ जाएगा कि ये किसके बारे में बताता है नेम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है नेक्स्ट मोनोग्राफ की बात करें तो मोनो का मतलब क्या होता है मोनो का मतलब होता है वन मोनो का मतलब होता है वन तो ये इंफॉर्मेशन किसके वन टेक्सोन एक टेक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है नेक्स्ट है कैटलॉग कैटलॉग क्या होता है आप गूगल पे लिख के देखना गूगल पे है ना एक बार कैटलॉग लिख के देखना लिस्ट है ना इस तरीके की लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दैट एरिया की पूरी लिस्ट सी वो प्रोवाइड करा देगा

देख लो क्वेश्चन क्या-क्या बनेंगे की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट ठीक है अब यहां पे होता क्या है सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी वहां पे देखते हैं हम यहां पे होता क्या है देखो मान लो ये अपने को ये अपने को कोई एनिमल मिल गया अब हमें पता लगाना है कि ये एनिमल कहा किस चीज को बिलोंग करता है ना मतलब एम्फीबिया है रेप्टाइल है मैमल्स है मैमल्स में भी ये क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ भाई ये भाग सकता है दौड़ सकता है या नहीं भाग सकता है ठीक है हमने देख लिया कि प्लांट और एनिमल में शुरू में हम कंफ्यूज है कि ये प्लांट है या एनिमल है तो हम देख लेंगे कि भाग सकता है या दौड़ सकता है या बिल्कुल एक ही जगह पे रहता है तो ये ना भाग सकता है ये दौड़ सकता है सिर्फ एक जगह पे रहता है और ना ऐसे सांस लेता है तो जाहिर सी बात है ना क्या है एक बार यार इसको थोड़ा सा ना ध्यान दे लो ध्यान दे लो सामने स्क्रीन पे क्या चल रहा है तुम्हारा देखते हैं एक बार सही चल रहा है सही चल रहा है देखना एक बार आवाज़ नहीं आ रही क्या आवाज़ नहीं आ रही है. अरे हाँ मतलब आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ बोल रहे मैं बोल रहा हूँ नहीं आ रही बोल रहे हाँ सही सही आ रही है सही आ रही है देखो तो इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा से समझ लो चीजें क्लियर हो जाएंगी मान लो यहां पे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है और हम कंफ्यूज है हमें पता ही नहीं है है ठीक तो अपने पास क्या आएंगे ऑप्शन आएंगे कि कि हम पहले देखेंगे कि ये भाग सकता है दौड़ सकता है या नहीं भाग सकता ना तो हम कंफ्यूज है किसमें प्लांट और एनिमल में हमारे पास दो ऑप्शन आ गए ठीक है तो हमने देख लिया कि ये भाग भी रहा है दौड़ भी रहा है मतलब जाहिर सी बात है ये प्लांट तो नहीं है एनिमल अपने पास आ गया ठीक है तो दो ऑप्शन में से हमने एक को सिलेक्ट कर लिया ठीक है अब एनिमल में भी अपने पास दो ऑप्शन आए कि इनवर्टिबरेट है या वर्टिब्रेट है मान लो इसके पास रीड की हड्डी है कोलम है, तो जाहिर सी बात है, है फिर से हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया ठीक है फिर हमने देख लिया फिर हमने देख लिया कि इसके पास मेमोरी ग्लैंड है या नहीं है फिर क्या है हमने मान लो रेप्टाइल और में हम कंफ्यूज है हमने देख लिया मेमोरी ग्लैंड है या नहीं है फिर से हमने दो में से रेप्टाइल को काट दिया क्योंकि इसके पास मान लो ग्लैंड प्रेजेंट थे तो हमने मेमल को सिलेक्ट कर लिया तो इस तरीके से दो दो ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करते हुए चलना है यही होता है अपने की में ठीक है अब नेक्स्ट है नेक्स्ट है ये एनसीईआरटी के लर्निंग पॉइंट है ना ये डायरेक्ट आपको याद ही करने पड़ेंगे यहां पे समझने जैसा कुछ नहीं है समझने है, और ये एनसीईआरटी से ही उठ के आए हैं कि सोलेनम क्या है जीनस है उसकी स्पीशी पोटैटो ब्रिंजल है ठीक है पैंथरा जीनस है अब पेंथ्रा में स्पीशी कौन सी होती है लियो होती है पार्डस होती है टेगरिस होती है लियो पेंथरा लियो मतलब लोयन पेंथरा पार्डस मतलब लेपर्ड पेंथ्रा टेगरिस मतलब टाइगर ठीक है और फेलिडी फैमिली है फेलिडी फैमिली के जीनस है फेलिस और पेंथ्रा ये फिर से वो ये ये जो आपके सामने है ना यार ये याद ही करने वाला इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है ठीक है नेक्स्ट ये टेबल आती है एक एनसीईआरटी की टेबल आती है इसको कैसे याद करें तो यहां पे थोड़ा सा अपने को ट्रिक ट्रिक बाजी बाजी लगानी लगानी है है थोड़ी सी ट्रिक बाजी लगानी है, इतनी मुश्किल ये है नहीं चार चीजों की अपने को याद करनी है मैन हाउस फ्लाई मैंगो व्हीट ठीक है तो सबसे पहले मैन का देखते हैं मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमोसेपियंस मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमोसेपियंस तो हमने बात की थी कि पहला नाम क्या होता है जीनस होता है दूसरा नाम स्पीशी होता है तो जीनस तो यहीं से पता चल गया कि होमो होगा और होमो से ही

चीजें अपने को याद हो गई हैं ऑटोमेटिकली देखते हैं एक बार दोबारा से देखो ये अपना जीनस है ये याद हो गया अब जीनस होमो है तो फैमिली होमिनिडी ऑटोमेटिक हो जाएगा और मैन जो है कौन से फाइलम में होते हैं ह्यूमन कोरडेटा फाइलम में होते हैं और कोरडेटा फाइलम में भी किसमें मैमल्स में पाए जाते हैं सिर्फ ऑर्डर आपको याद रखना है हो चुका है ठीक है नेक्स्ट हाउस फ्लाई की बात करते हैं देखो मस्का डोमेस्टिका इसका जीनस इस होगा? होगा और डोमेस्टिका जीनस है तो यहां इसको अंग्रेजी में मसीडी या मुसीडी तो मस्का से ही याद आ जाएगा मुसीडी ठीक है अब इसका सिर्फ आपको ऑर्डर याद रखना है डिप्टेरा होता है बाकी क्लास और ये अपने पास हो जाएगा ठीक है हाउस फ्लाई क्या होती है मक्खी होती है तो

कि वो मोनोकोट प्लांट होते हैं और मैंगो जो है वो डाइकोट प्लांट है ठीक है तो दो चीजें क्लियर है मैंगो क्या है डाइकोट है ये मोनोकोट है दोनों क्या है एनजोस्कम है और इनका बायोलॉजिकल नेम सबको पता है मैंगो का तो सबको ही पता है मैंगी फेरा इंडिका और वीट एस्टिवम वीट का थोड़ा याद कर लेना मैंगो का सबको पता है अब जाहिर सी बात है ये बायोलॉजिकल नेम है तो ये क्या होगा इसका जीनस होगा इसमें यह क्या होगा इसका जीनस होगा ठीक है अब जीनस अपने को पता चल गया इसका मैंगी है इसका ट्रिटिकम है ऑटोमेटिक है ठीक है अब यहां पर देखो ये ऐसे याद रख लेना अनार यहां पर अनार याद रख लेना कि आप मैंगो यानी आप फ्रूट्स लेने जा रहे हो मार्केट में आप लेके आए हो तो उसके बात करते हैं, देखो, ये इसका भी आपको सिर्फ ऑर्डर याद करना, है, ना सिर्फ आपको याद करना है, बाकी सारा ऑटोमेटिक है गेहूं जो है, है उससे क्या बनते हैं पराठे बनते हैं उससे क्या बनते हैं पी फोर पराठे बनते हैं पी फोर पराठे बनते हैं तो ये पराठे से याद आ जाएगा ठीक है बिल्कुल क्लियर है तो चैप्टर अपना ये खत्म हो चुका है खत्म हो चुका है आसानी चैप्टर था इतना मुश्किल नहीं था यहां पे जूम करके वो बना देते हैं चैप्टर अपना ये खत्म हो चुका है नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं शायद बा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे हाँ मैंगो के साथ अनार ले आना सेब नी सेब से फिर गलती हो जाएगा है ना सेब से तुम गड हाँ वैसे सेब ये भी हो सकता है सही ये बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है तुमने कि अनार ले आओगे तो सेब भी ले आना सेब से याद आ जाएगा सही है सही है किसने बताई है मोडेस्ट नोमेन बढ़िया ट्रिक है हाँ वो तो परांठे वाली तो बहुत सिंपल ट्रिक है यार वीट के परांठे बनते हैं ना गेहूं से तो बनते गेहूं के आटे के परांठे बनते हैं तो पोएसी और पोइल्स हो जाएगा ठीक है कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है हाँ नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं टाइम का यार टाइम का ना करेंगे यार फिक्स <laughs> अच्छा हाँ ये मैंने पहले बायोलॉजिकल ना इसमें लिविंग वर्ल्ड में मैंने पुराने लेक्चर में मैंने ही तो बताई थी सेब लिया अब याद आया कॉपी करता है कॉपी करता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ट्रिक कबूल हो गई ठीक है पायरेसी है ठीक है लाइव ही सही है क्या लाइव सही है आ ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि लाइव में है ना मेरा फोकस थोड़ा सा क्योंकि अभी एक दो बार ही की है ना जैसे दूसरा ही लेक्चर है आज मेरा लाइव तो उतना फोकस नहीं हो पाता थोड़ा सा है ना ऐसे है ना जैसे रिकॉर्डेड होता है ना उसमें पूरा फोकस से समझा पाता हूँ इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब है पर हो सकता है कि शुरू शुरू में कर रहा हूँ तो इसलिए हो रहा हो ना थोड़ा कंसर्न हो रहा है तो ठीक हो जाएगा ये शायद एक दो बार में ही तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये रात को आज रात को कर लें आज रात को अगर आप साढ़े दस बजे या ग्यारह बजे तक तो कोई नहीं सोता यार साढ़े दस ग्यारह बजे कर लें एक एक दिन में अगर दो हो रहे हैं चैप्टर तो क्या दिक्कत है कर लें क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाओगे रात को साढ़े दस बजे या ग्यारह बजे करेंगे वो मैं बता दूंगा दो तीन घंटे पहले टेलीग्राम यार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि जब भी जो भी होता है ना मैं वहीं पर बताता हूँ तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ठीक है आज ही रात को दो हो रहे हैं तो अपने को क्या दिक्कत है साढ़े दस ग्यारह निपटा देते हैं टाइम बहुत जा रहा है लाइव में भाई लेक्चर के बीच में मैंने मैंने ख्याल से मैंने कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया है जितना लेक्चर चला है वो उतना ही चलता रिकॉर्डेड में भी तो आप लेक्चर है ना के बाद खत्म हो चुका है तो आप जा सकते हैं ऐसा कोई ठीक है साढ़े दस या ग्यारह बजे कर लेते हैं भाई जो बोलते हैं जो बोल रहे हैं ना रिकॉर्डेड लेक्चर देखो जो रिकॉर्डेड होंगे वो मैं ले रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आपको चाहिए ना तो ये लाइव है ना इसके बाद में देख लिया करो और है ना क्योंकि लाइव जहाँ चैप्टर खत्म हुआ वहां तक आपने देखा बाद का मत देखना जो भी मैं बात कर रहा हूँ सिंपल है ये तो बड़ी सिंपल है यार इसमें कुछ बातें नहीं है भाई माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का लाइव मैं बोल तो रहा हूँ कल हमने क्लास की थी पर मेरे को भी नहीं पता वो क्या हुआ वो डिलीट हो गई या कैसे हुआ है मेरे को नहीं पता वो यूट्यूब की तरफ से क्या हुआ है अपने को नॉलेज नहीं है और और उसकी जगह पे मैंने माइक्रोब्स का चैप्टर अपलोड कर दिया है शाम को ही आप जाके चेक करो ठीक है ठीक है ठीक है तो अभी ना रात को मिलते हैं रात को मिलते हैं साढ़े दस बजे है ना हो सकता है एक दिन में जिस दिन हुआ ना अगर दिमाग में चढ़ गई सनक तो तीन चैप्टर हुए तो तीन भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है बस फिर वही है पता है मेरे से ऐसे नहीं होता है कि फिक्स टाइमिंग है रोज बारह बजे आएंगे तो बारह बजे ही आएंगे मेरे में पेशेंस वो वाला है नहीं ऐसा होता है कि दिमाग में चढ़ रहा है ना तो अभी लपेट दो सारा तो ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए आप क्या काम किया करो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि टेलीग्राम पे ना मैं दो घंटे लगभग दो तीन घंटे पहले बता दूंगा ना उससे क्या है पता लग जाएगा ऐसा नहीं होगा कि पता ही नहीं लगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ठीक है अब जाए अब फिर वो ये ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अब जाते हैं ठीक है रात को मिलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ बारह बजे के बाद यार थोड़ा लेट हो जाएगा ठीक है लाइव में फोकस नहीं हो पाता तो आप बाद में देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त बाद में देख लीजिए है ना जब ये लाइव खत्म हो जाएगा आधे घंटे बाद देख लेना ठीक है ठीक है चलो अब जाते हैं अब जाते हैं बाय बाय ये बंद कहाँ से होता है ठीक है ठीक है